अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं है बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से मना करते रहे। योग दिवस के कार्यक्रम में जदयू के लोग कभी शामिल नहीं होते और मुझे ये कहा जाता था कि ऊपर से निर्देश है। देखिए, जब हम लोग सरकार में भी थे तो जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में अमेरिका गए थे, देखिए आज योग दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर योग कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी और पतंजलि योग पीठ के का योगदान है कि आज योग को पूरे विश्व के अंदर और भारत ने पहुंचाया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में अमेरिका गए थे और जब यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को घोषित किया और 193 देश जो उस सभा में मौजूद थे उन लोगों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज ये 9वां योग दिवस है और आज करोड़ों लोग और योग दिवस मना रहे हैं। मैं लोगों से यह अपील करूंगा कि योग दिवस केवल एक दिवस नहीं है बल्कि प्रतिदिन उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और बिहार तो योग की भूमि रही है, क्योंकि पतंजलि जी के बारे में कहते हैं कि वो बिहार में ही पैदा हुए और जो मुंगेर योग आश्रम है वह दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय था और स्वामी निरंजनानंद जी और बाकी सभी लोगों ने तो योग के प्रचार प्रसार में बिहार योग विद्यालय का और बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार उस कार्यक्रम से दूरी बनाते रहते हैं, आप लोग तो तमाम लोग हैं शामिल, लेकिन देखिए जब हम लोग सरकार में भी थे तो जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। मैंने कई बार नीतीश जी से कहा कि जब आप खुद योग करते हैं तो क्यों नहीं स्कूल में, कॉलेज में और आम जीवन में योग को प्रचारित किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी कि जब सरकार में भी थे तो कभी भी योग दिवस के कार्यक्रम में जदयू के लोग कभी शामिल नहीं होते थे और मुझे ये कहा जाता था कि ऊपर से निर्देश है कि आपको कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। इसका देखिए राजनीति से क्या संबंध है, ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है तो क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम है या संघ परिवार का कार्यक्रम है? ये तो पूरी दुनिया को योग भारत की देन है। लेकिन नीतीश कुमार जब साथ में भी थे तो उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सरकार में साथ रहते हुए भी कभी उन्होंने न तो स्वयं योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से मना करते रहे। यहाँ तक इसी कंपाउंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, लेकिन एक भी जनता दल यू का MLA कार्यकर्ता कभी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। सर, 23 जून को जो बैठक होनी है, अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी, सबसे पहले नहीं देखिए बैठक कहीं भी, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल में केवल TMC चुनाव लड़े, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। KCR कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो यानी ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए। उनका राज्य अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस हमारी मदद करे।
तब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है कि ये वो क्या चाहती है। तो 23 तारीख की ये जो बैठक है वास्तव में भारत मुक्त भाजपा मुक्त भारत के लिए नहीं बल्कि भारत को कांग्रेस मुक्त करने के लिए ये बैठक। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।